फाइन। सो क्या हुआ है यहां पे, जैसा हमने कहा हर कॉइल जो है, ठीक है, हर कॉइल में करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, यहां से करंट आ रहा है और इस तरह से फ्लो कर रहा है, हर कॉइल में यही फिनोमेना हो रहा है। इस तरह की कॉइल के लिए हमने बताया कि कहीं पर भी अगर हम डायरेक्शन देखेंगे तो वो की तरफ हमें मिलेगी, लेफ्ट टू राइट हमें मिलेगी। तो यहां पर अब क्या हो गया, ये सारी कॉइल्स ने मिलाकर ये एक टोटल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी, सारे लूप्स ने मिला के एक नेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जनरेट करी। सो यहां पर जो शेप है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट एग्जैक्टली इन सर्क्युलर शेप। हम कॉइल के अंदर तो ये देखेंगे कि हमें ऑलमोस्ट सब जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही है, बट एज द मैग्नेटिक फील्ड गोज आउट, जैसे ही हम लूप के सोलेनोइड के बाहर देखेंगे तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कर्व होने लगेगी, वो कर्व आउट होने लगेगी, ठीक है। सो दिस इज द मेजर बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ सोलेनोइड। हमें सोलेनोइड के अंदर जो है वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखने लगती है, हमें सोलेनोइड के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलने लगती है, ठीक है। दिस हैज सेवरल एप्लीकेशन, जिसके कई सारे एप्लीकेशन होते हैं, और सोलेनोइड में हम मेनली जो अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है उसी में इंटरेस्टेड रहते हैं, ठीक है। नाउ ऑल्सो देयर इज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हियर, यहां पर हम एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करेंगे। अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ध्यान से देखें देन दे आर एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिकॉल करो, वो एग्जैक्टली इसी तरह से थी। बीच वाला पार्ट अगर हम छुपा दें, ठीक है, बीच वाली लाइंस अगर हम छुपा दें तो जो बाकी की लाइंस हैं वो एग्जैक्टली हमें वैसी की वैसी ही दिखेंगी जैसी एक बार मैग्नेट की होती है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हम यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑब्जर्वेशन करते हैं दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनोइड is exactly same as that produced by a bar magnet. Magnetic field produced by a current carrying solenoid is exactly same as that produced by a bar magnet. This is our first observation, जो हम एक analogy यहां पर देख रहे हैं, और हम यहां पर क्या points बता रहे हैं, किस तरह के relations बता रहे हैं about the magnetic field produced by solenoid, ठीक है। The major use जो हम बता रहे हैं, the major use is of the uniform magnetic field produced inside the solenoid. So that is the most important point. Inside the solenoid, magnetic field is uniform
inside the solenoid magnetic field is uniform. ये हमें कैसे पता चल रहा है? दिस इज शोन बाय द पैरेलल लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज शोन बाय द पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, शोन बाय पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, shown by parallel magnetic field lines. ठीक है, देन यहां पर हम और जो ऑब्जर्वेशंस करते हैं, जो हम यहां पर डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, बट एक्सपेरिमेंटली व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इज दैट अगेन एज वी इंक्रीज द करंट, जैसे जैसे हम करंट इस सोलेनॉइड में बढ़ाते हैं, इस सोलेनॉइड की जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो इंक्रीज करने लगती है. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट flowing in the solenoid. Okay, the strength of magnetic field is directly proportional to current flowing in the solenoid. The strength of magnetic field produced by the solenoid is directly proportional to current flowing in the solenoid. मतलब again directly proportional का जो meaning बताया था, अगर हमने करंट डबल कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ भी डबल हो जाएगी. इट विल बिकम ट्वाइस एज स्ट्रॉन्गर. देन एक और लॉजिकल ऑब्जर्वेशन या लॉजिकल कंक्लूजन जो हम दे सकते हैं, भाई एक कॉइल थी तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी, दो होंगी तो और ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तीन चार, जैसे जैसे वो लूप्स हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए. ठीक है, सो वी कैन से द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स और लूप्स इन द सोलेनॉइड. ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज directly proportional to number of turns or loops. The strength of magnetic field is directly proportional to the number of turns in the solenoid. Solenoid में वो जो coil हमने बनाई है,
जितने ज्यादा लूप्स होंगे, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें मिलेगी. ठीक है. देन द नेक्स्ट पार्ट, हम इसमें जो एक एनालिसिस करना चाहेंगे, भाई हम बोल रहे हैं कि ये जो एक सोलेनॉइड है, दिस बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट, ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो फिर इसका नॉर्थ पोल कौन सा है और इसका साउथ पोल कौन सा है? विच एंड शुड बी द नॉर्थ पोल, विच एंड शुड बी द साउथ पोल? कौन सा एंड नॉर्थ पोल होना चाहिए, कौन सा एंड साउथ पोल होना चाहिए? तो उसको देखने के दो तरीके हो सकते हैं. एक तो ये फील्ड लाइंस देखकर, हमें मालूम है नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर इमर्ज होती हैं, साउथ पोल पे खत्म होती हैं. बट ये हम तब कर पाएंगे जब हमें फील्ड लाइंस गिवन हो. अदरवाइज जो एक सिंपल सा मेथड होता है टू डिफाइन द पोल्स, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग पोल्स कौन से होंगे इस सोलेनॉइड के, उसके लिए एक सिंपल सी टेक्निक हम बताते हैं. दैट नॉर्थ और साउथ को हम इस तरह से बना के लिखें. ठीक है, इसी में सारी इंफॉर्मेशन अपने आप आ जाती है. दिस इज अ सिंपल वे टू रिमेंबर कि कौन सी वाली साइड नॉर्थ पोल होगी, कौन सी वाली साइड साउथ पोल होगी. व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग? एरोज जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. सो जिस एंड पे हमें, ठीक है, हमने ये सोलेनॉइड रखा है, जिस एंड पे हमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिख रही, वो एंड नॉर्थ पोल है. जिस एंड पर हमें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिख रही है, वो एंड साउथ पोल है. सिंपल. इस तरह से हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिफाइन कर सकते हैं सोलेनॉइड के. ठीक है, जैसे इस वाले केस में हमने करंट को ऐसा माना हुआ है, ये इधर से अंदर जा रहा है और फिर बाहर आ रहा है, तो जब हम यहां से देखेंगे तो ये चीज हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी. That means this is the North Pole, जो कि हमें field line से भी दिख रहा है. जब हम इधर से देखेंगे तो क्या दिखेगा? Current इस तरह से आता हुआ, that is clockwise. तो ये वाला end South Pole होना चाहिए, जो कि field line से दिख भी रहा है. So this is the North Pole, whereas this is the South Pole. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट वुड करेस्पॉन्ड टू नॉर्थ पोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन of current would correspond to south pole. ठीक है, this is a simple way of remembering the poles. ठीक है, ये जो solenoid है इसका कौन सा end किस pole की तरह behave करेगा, ये चीज याद रखने का है कि simple सा method है बस. So, this is all about solenoid and its magnetic field, produced by a current carrying solenoid. Now, what is the major use of this? इसका जो एक major application होता है, the major application of this solenoid is to produce electromagnets. हम जो है इस system को, इस चीज को, इस कॉम्बिनेशन को यूज करके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स प्रोड्यूस करते हैं.
What are electromagnets? Electromagnets are simply temporary magnets produced by using current electricity. ठीक है, electro stands for current electricity and magnet, that means the material now has magnetic properties. हम क्या करते हैं, हम simply इसी setup के अंदर एक rod डाल देते हैं, एक steel rod या iron rod डाल देते हैं. ठीक है, हम इसी सेटअप के अंदर मतलब उसी कॉइल के अंदर जो है एक रॉड डाल देते हैं. ठीक है, एक स्टील की रॉड या सॉफ्ट आयरन की रॉड उसके अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं. डायग्राम को हम वापस से ही बनाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई हैं. ठीक है, समथिंग लाइक दिस, इस तरह का एक सेटअप हमने बना दिया. ठीक है, मतलब उसी सोलेनॉइड के अंदर हमने एक रॉड डाल दी. ठीक है, व्हाट आर वी ट्राइंग टू मेक बाय दिस, हम एक इलेक्ट्रो मैग्नेट बना रहे हैं. ठीक है, जो हम रॉड यहां पर डालते हैं वो रॉड या तो स्टील की होती है और वी यूज सॉफ्ट आयरन. वी आइदर यूज स्टील और सॉफ्ट आयरन फॉर दैट रॉड. ठीक है, what happens is that the magnetic field produced inside the solenoid, solenoid के अंदर जो magnetic field produce हो रही है, जो हमने बताया बिल्कुल एक uniform magnetic field होती है. ठीक है, वो इस steel या soft iron की rod को temporarily magnetize कर देती है. वो जो magnetic field है वो इस रॉड को टेम्पररीली मैग्नेटाइज कर देती है. ठीक है, सो इससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है, इफ वी वॉन्ट दैट सर्टन डिवाइस शुड ओनली शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन डिजायर्ड, जब हमारी इच्छा है तभी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करे,
जब हम नहीं चाहते कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उससे चली जाए। तो हम यहां एक सिंपल सा सेटअप सकते हैं कि हम यहां पे एक स्विच लगा दें, हमने यहां पर एक की या एक स्विच लगा दिया, जैसे ही हम इस की को बंद करेंगे तभी ये सर्किट ऑन होगा और तभी यहां पर ये रॉड मैग्नेटाइज होगी, ठीक है। सो हम क्या बोल रहे हैं, द मैग्नेटिक फील्ड टेम्पररीली मैग्नेटाइजेस द रॉड, ठीक है, एज लॉन्ग एज द करंट इज पास्ट, एज लॉन्ग एज द करंट इज पास्ट द रॉड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, एज सून एज द करंट इज स्विच्ड ऑफ द रॉड लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जैसे ही हम करंट को बंद कर देंगे उस रॉड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चली जाएंगी, ठीक है। लॉन्ग एज द करंट इज पास्ट द रॉड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, एज सून एज द करंट इज टर्न्ड ऑफ द रॉड लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये कई जगह पर यूज किया जाता है, इसको हम देखते हैं, ये बेल जो हमारी इलेक्ट्रिक बेल होती है उसमें यूज होता है, दिस इज यूज्ड इन क्रेन्स, जो क्रेन होती है उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। यू कैन इमेजिन कि क्रेन में इसका क्या यूज है, सपोज द क्रेन इज मेंट टू सर्च फॉर आयरन मटेरियल्स, आयरन का जितना भी स्क्रैप मटेरियल है वो एक बड़े से जो है गार्बेज में से ढूंढने का काम है क्रेन का सपोज। अब अगर उसका ये मैग्नेट हमेशा ही चालू रहेगा तो आसपास से जो भी चीजें हैं, ठीक है, क्रेन कहीं से कहीं पर जा रही है वो रास्ते में सारी चीजों को खींचते ही चला जाएगा, विच इज नॉट डिजायर्ड, वो हम नहीं चाहते। लेकिन हम चाहते हैं कि जब उसके सामने वो पूरा स्क्रैप रखा हो तो उसमें से वो आयरन का जितना भी स्क्रैप है वो निकाल ले। So, हम क्या करेंगे, उस टाइम पे उस पर करंट पास करवा देंगे, वो ये सारा आयरन का स्क्रैप इकट्ठा कर लेगा और फिर हम करंट बंद कर देंगे तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, इट विल बी लाइक अ सिंपल रॉड, एक सिंपल आयरन स्टील की रॉड की तरह हो जाएगी वो, ठीक है। सो देर आर मेनी एप्लीकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेट के, इस तरह से कई सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं जहां पे भी हमें टेम्पररी मैग्नेट चाहिए वहां पे, वेर एवर वी डिजायर अ टेम्पररी मैग्नेट वी यूज दिस इलेक्ट्रो मैग्नेट, ठीक है। सो ये जो है सोलेनॉइड का सबसे एक मेजर एप्लीकेशन होता है, दिस इज द मेजर एप्लीकेशन ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। यहां पर अब हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट का एक मेजर खत्म करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने वाला वायर दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगा रहा है, जैसे हमने बताया कि एक कंपास अगर हमने रख दिया तो उस कंपास की नीडल पर फोर्स लगने लगता है, वैसे ही रिवर्स भी होना चाहिए,
बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ द रिवर्स शुड ऑल्सो बी देयर. मतलब एक मैग्नेट अगर हम वायर के पास लेके आए, अगर हम एक बार मैग्नेट करंट कैरिंग वायर के पास लेके आए, तो बार मैग्नेट उस वायर पर भी फोर्स लगाना चाहिए. ठीक है, एंड दैट विल बी आर नेक्स्ट आर्टिकल. वो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा और फिर उसके हम एप्लीकेशंस देखेंगे, किस तरह से उसके एप्लीकेशंस होते हैं, उसको कैसे यूज